अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं इसी वीडियो में और मैं कहता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब से एक बहुत ही अफसोसनाक और एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जो कि अभी आप लोगों से शेयर करते हैं। खून की नदियां बह गई, लाशों के ढेर लग गई, एमरजेंसी सब कुछ बंद, तवाफ बंद, खाना काबा का 24 घंटों के लिए। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा, नोटिफिकेशन भी चला होगा कि खाना काबा का तवाफ बंद कर दिया गया। आखिर क्यों खाना काबा का तवाफ बंद कर दिया गया, मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इसी शॉर्ट कट की मिनट की वीडियो में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। अरब में फिर से कोरोना वायरस आ गया। जैसे कि आप लोग पता है, कुछ अर्सा पहले कोरोना जैसी बीमारी आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी, बिल्कुल उसी तरह सऊदी अरब में एक बहुत ही बड़ी बीमारी आ गई जो बिल्कुल उसी तरह की बीमारी है जैसे पहले कोरोना वायरस थी, तो उसकी वजह से बहुत लोगों की जानें चली गई। तो इस टाइम एमरजेंसी भी नाफिज हो गई है, बहुत सारे लोगों को इस टाइम हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। तो खाना काबा का तवाफ इसलिए बंद कर दिया गया कि बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है कि कहीं किसी और कोई बीमारी न लग जाए। तो सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया कि खाना काबा का तवाफ 24 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि ये बीमारी यहीं पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तक जो भी नोटिफिकेशन सऊदी अरब की होगी वो आप तक बहुत जल्द पहुँच सके।